ग्राहक संपर्क कार्यक्रम की पहल के अंतर्गत रिटेल, कृषि, वाहन, आवास, एमएसएमआई, शिक्षा और व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण स्वीकृति प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्धारित 400 जिलों में ये योजना शुरू की जा रही है। कार्यक्रम के पहले चरण के लिए हमीरपुर जिला को भी चुना गया है, जिसके तहत राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अग्रणी जिला बैंक पंजाब नेशनल के साथ जिला हमीरपुर के सभी सार्वजनिक बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, जिला उद्योग विभाग और अन्य अधिकारी इस मेगा इवेंट का प्रबंधन करेंगे। इस कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक अंचल कार्यालय शिमला की महाप्रबंधक रीता कौल ने 16 बैंकों के डीसीओ के साथ एक बैठक आयोजन किया और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का जायजा लिया। ग्राहक संपर्क कार्यक्रम की पहल, खाता खोलना, मूल बचत बैंक जमा खाता खोलना, भीम ऐप डाउनलोड करने में ग्राहकों की सहायता करनी है। विभिन्न बैंकों के स्टॉल वहां होंगे जो ग्राहकों को उनके बैंक से संबंधित सहायता प्रदान करेंगे एवं जनता को बैंकिंग से संबंधित सभी वांछित सूचनाओं का प्रावधान करेंगे। मैं रीता कॉल, जोनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो भारत सरकार ने कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के तहत बैंकर्स की मीटिंग और कस्टमर्स की मीटिंग के लिए जो अभियान शुरू किया है, उस सीरीज़ में ये कल पहला प्रोग्राम है जिसमें हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी आएंगे। और हमने यहाँ सभी बैंक्स को स्टॉल लगाने के लिए हमने अरेंजमेंट किया है। सब अपनी अपनी स्कीम्स पब्लिक को बता पाएंगे और मुद्रा के, एग्रीकल्चर के, रिटेल, हाउसिंग, एमएसएमई, सभी क्षेत्रों में हम पब्लिक को अपनी स्कीम बताएंगे। इसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव्स के अंडर भी हमने अकाउंट खोलने के लिए, लोगों को ऑनबोर्ड करने के लिए PSB59.com पोर्टल, उसके तहत कैसे करना है वो भी हमने एक अरेंजमेंट किया है। और आधार का किसी को करवाना हो ऑथेंटिकेशन, वो भी हमने अरेंजमेंट रखा है। और डिजिटल इनिशिएटिव्स के ऊपर कैसे लोगों को ऑनबोर्ड करना है, उनका फ़ोन में हम डाउनलोड करेंगे UPI, उनको सिखाएंगे। और अपना PNB One ऐप जो है वो भी हम लोगों को बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है, ताकि उनको बैंक में जाकर क्यू में ना खड़ा होना पड़े और वो फैसिलिटेट हो जाए, वो घर से ही ट्रांजैक्शंस कर पाए। होगा कि उनका एक तो ज्ञानवर्धन होगा और एक ऐसा इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर रहेगा जहाँ पे कुछ लोग जैसे ब्रांच में आने से हिचकिचाते हैं। ये एक ऐसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी पहल करी है जहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि लोग बहुत फ्री फील करेंगे, कोई ऐसी लिक्विडिटी क्रंच नहीं है, कुछ नहीं है। तो जिनको अपना रोज़गार शुरू करना है या कोई नया काम करना है या घर बनाना है या किसी अन्य प्रकार की उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ लोगों को थोड़ा सा बताएंगे सब बारे में और उनको जागरूक करेंगे। कार्यक्रम का संचालन पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाएगा। मेरा नाम विजय सिंह नेगी है और मैं महाप्रबंधक हूँ भारतीय स्टेट बैंक में। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। हमारे साथ हमारी टीम है यहाँ पे लोकल, मिस्टर राणा है यहाँ पे क्षेत्रीय प्रबंधक, और इसके अलावा मंडी के भी हमारे जो RM है मिस्टर पुनीत शर्मा, ये दोनों हमारे RM से जो इसका इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और साथ ही में हमारी सभी ब्रांचेस। तो जैसा कि मैडम अभी बता रही थी कि ये एक आउटरीच कार्यक्रम है केंद्र सरकार का और वित्तीय समावेशन के साथ उसको और ब्रॉड बेस करने के लिए, जो एक कई कार्यक्रमों का जो हम देख रहे हैं पिछले दो तीन सालों से जो चल रहा था, पहले ग्राम स्वराज प्रथम, ग्राम स्वराज द्वितीय, उसके बाद 2011-1918 को SME के क्षेत्र में भी जो है 100 दिन का एक आउटरीच कार्यक्रम किया गया था पूरे देश में। उसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ जो है जो फोकस है उसको और ब्रॉडबेस करते हुए अभी एक नया एक हमारा केंद्र सरकार के साथ जो है एक आउटरीच कार्यक्रम कल से शुरू करने जा रहे हैं हमीरपुर में। और इसी प्रकार से जैसे PNB यहाँ और मंडी में कर रहा है, भारतीय स्टेट बैंक सोलन में और शिमला में इसको करने जा रहा है। तो इसी प्रकार से सभी जितने भी हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक्स हैं और वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए हमारे जो ग्राहक सेवा केंद्र हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को सब हम कल यहाँ पे
और परसों भी दो दिन उनको यहाँ पे बिठाएंगे, उनके साथ जो है जो हम कस्टमर्स को बुलाएंगे। और जैसे कि कहा गया था कि हर एक कस्टमर जो है अपना पांच पांच कस्टमर्स को लेके आएंगे, तो हमें आशा है कि मतलब जिस तरह से आप लोग प्रचार भी करेंगे, लोग आएंगे भारी संख्या में यहाँ पे और दो दिन की इस झलक को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा कार्यक्रम जो है हमारा आगे का रहेगा आने वाले समय में, जो कि हमें अपनी शाखाओं के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना है। तो हमें बहुत खुशी है कि सभी बैंकों से, जितने भी हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, हमेशा की तरह जो है हम यहाँ एकत्रित होंगे कल से और इस कार्यक्रम को इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।